ओएलटी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं उसके बारे में। तो ये इंटरनेट का इनपुट है, ओएलटी का जो इनपुट होता है इंटरनेट का इनपुट, जिसको हम लोग अपलिंक पोर्ट कहते हैं। ये जो अपलिंक पोर्ट है ये, तो जो भी आप कंपनी यूज़ करते हैं वो कंपनी का जो लिंक है यहाँ पे इनपुट होगा। और ये डाउनलिंक का पोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, ये वाला पोर्ट है ये। जहाँ पे मैं C++ SAP यूज़ कर रहा हूँ, जिसका पावर है 7+ DB, ठीक है। तो मैं अटैच कर दिया एक SAP पॉन्ट। बेंगोली व्यूअर्स के लिए ये सेम वीडियो बेंगोली में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक पे क्लिक कीजिए। मेरे पास एक ब्लू पैच कोड, तो आप लोग जानते हैं जो इंटरनेट में ऑलवेज ब्लू पैच कोड यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ब्लू पैच कोड कनेक्ट कर दिया, और मेरे पास एक वाई कंपनी का एक वारंटी है, ठीक है। एक्चुअली ये मेरा जीपोन है, इसीलिए मैं वारंटी यूज़ कर रहा हूँ, 8 port जीपोन, तो इसलिए ये वारंटी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से मैं वो ऑन कर लेता हूँ। आप तो जानते हैं वारंटी ऑन होके फुल प्रिपेयर होते टाइम लगता है 1 से 1.5 मिनट। ऐसे फोन से जो पैचकोट जा रहा है वो पैचकोट में कनेक्ट कर दिया वारंटी में। तो मैं एक बार चेक करता हूँ जो पैचकोट ओपन करने के बाद, देखिए लॉस का सिंबल आ रहा है। मैं फिर से मैं अटैच करता हूँ, देखिए फोन लॉस का सिग्नल बंद हो गया, तो मतलब मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है। पर चेक करता हूँ जो पैचकोट ओपन करने के बाद, देखिए लॉस का सिंबल आ रहा है। मैं फिर से मैं अटैच करता हूँ, देखिए फोन लॉस का सिग्नल बंद हो गया, तो मतलब मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है। तो और एक Cat5 का वायर जो OLT का जो ऑक्स पोर्ट है, देखिए आप ऑक्स पोर्ट है, कंसोल पोर्ट है, दोनों पोर्ट है, लेकिन कंसोल पोर्ट में नहीं है, ऑक्स पोर्ट में मैं कनेक्ट करके, और दूसरा पोर्ट मेरा जो लैपटॉप है, लैपटॉप का इथरनेट पोर्ट पे मैं कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं उसका जो आईपी है ओएलटी का जो आईपी है वो आईपी मैं इनपुट कर रहा हूँ। देखिए एक बार मेरा ऑलरेडी इनपुट है, फिर से आपको दिखाने के लिए मैं उसको शो कर रहा हूँ। तो मेरा जो ओएलटी का, अब जितना कंपनी का ओएलटी आप लेंगे तो ओएलटी के ऊपर ये मैनेजमेंट जो आईपी है वो आईपी लिखा रहता है, तो टेंशन का कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं इनपुट कर दिया, करके जो भी ब्राउज़र है, आप ब्राउज़र से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं क्रोम ब्राउज़र से मैं ओपन किया, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है, ठीक है। अब देखिए Phone 1, Phone 2, Phone 3 करके Phone 8, ठीक है, वो जो Phone 8 से मैं एक फोन में SAP फोन में डाला है, तो इसीलिए सिर्फ सिंगल फोन है, देखिए एक फोन ऑनलाइन है, ग्रीन है, बाकी सब रेड है, तो ठीक है। तो आप घर पे बैठे बैठे आप देख सकते हैं कंप्यूटर में जब कौन सा पोर्ट डाउन है, कौन सा पोर्ट ऑफ है, ओके। तो आप ये भी देख सकते हैं जो कोई कस्टमर को आप जो ओएनटी आप प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो वो कस्टमर बोल रहा है जो मेरा इंटरनेट नहीं है, तो ठीक है, आपका कंट्रोल रूम पे जाके जो ओएनटी का जो आप जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आप देखिए जो ऑनलाइन के ऑफलाइन है। ऑनलाइन होगा तो इंटरनेट कस्टमर तक चल रहा है, कस्टमर झूठ बोल रहा है, तो ठीक है। आप ऐसे करके आप देख सकते हैं जो आपका कितना ओएनटी ऑनलाइन पे है, ठीक है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ़िगर हो गया, तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ
जो वारंटी से वारंटी में जो इंटरनेट फाइबर थ्रू में दिया है वो आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। तो जो इनका जो वारंटी का जो इंटरनेट पोर्ट है तो मैं दूसरा एक लैपटॉप में कनेक्ट करके मैं चेक कर रहा हूँ इंटरनेट आ रहा है कि नहीं। पिंग ठीक ठाक हो रहा है, देखिए इंटरनेट भी सही हो रहा है। ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और मार्केट में जो नया नया डिवाइस नया नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हो रहा है तो उसका बारे में मैं अपडेट देता रहूँगा मेरा ये चैनल पे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। छोटे पैर संभाल के अंकल, मैं गूगल पे कर दूँ ना।